हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि अब बस कुछ ही घंटे बचे हेलेना सेल के पेपर व्यू को शुरू होने में एंड हम सब इस पेपर व्यू के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एंड आज मेरे पास हेलेना सेल को लेकर कई सारी अपडेट्स है, जैसे कि लेटेस्ट बैटिंग ऑड्स, इसके अलावा फिंड एंड रेट्रीब्यूशन के बीच हमें क्या हेलेना सेल में कुछ देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा बात करेंगे ऐसी दो शॉकिंग थिंग्स के बारे में जो कि हमें हेलेना सेल पेपर व्यू में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बैटिंग ऑड्स से शुरुआत कर लेते हैं। तो आप सबको पता ही है एंड वॉके पर जो बैटिंग ऑड्स रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स रहते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए WWE चैंपियनशिप मैच की, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है स्कॉटी साइकोपैथ ड्रू मैकएंटायर वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच। तो यहां पर अभी लेटेस्ट बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग ड्रू मैकएंटायर हराने वाले हैं रैंडी ऑर्टन को एंड वो रिटेन कर लेंगे अपनी WWE चैंपियनशिप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मैच है वो है जेफ हार्डी वर्सेस अलायंस के बीच। तो यहां पर बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग अलायंस हराने वाले हैं जेफ हार्डी को। इसके बाद बात की जाए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि होने वाला है हेल इन अ सेल के अंदर साशा बैंक्स वर्सेस बेली के बीच। तो यहां पर बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग साशा बैंक्स हराने वाली है बेली को एंड वो हमें बनते हुए दिखने वाली है न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। इसके अलावा अभी तक ओटिस वर्सेस मिस के मैच का बैटिंग ऑर्डर सामने निकलकर नहीं आया है क्योंकि ये मैच अभी रिसेंटली ऑफिशियल हुआ है। तो इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट लास्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए आई क्विट मैच हेल इन अ सेल मैच। एंड इसके अलावा इस मैच में और क्या कुछ कंसिक्वेंसेस है वो तो आप सब जानते ही। वहीं बात की जाए बैटिंग ऑर्डर्स की, देन बैटिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग यहां पर जे उसो बोलने वाले आई क्विट यानी कि रोमन रेंस रिटेन करने वाले अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसलिए कह सकते हैं कि स्टार्टिंग एंड अभी के बैटिंग ऑर्डर्स में ज्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं आए। बट आप सबको बता दूं, शायद से हेल इन अ सेल शुरू होने से पहले हमारे सामने एक और अपडेटेड बैटिंग ऑर्डर सामने निकलकर आने वाला है, तो क्या पता उसमें हमें कुछ चेंजेस होते हुए दिख जाए। वेल, अभी के लिए तो यही है हमारे लेटेस्ट बैटिंग ऑर्डर्स। इसके अलावा बात की जाएगी क्या हेल इन अ सेल पेपर व्यू में हमें फिंड एंड रेट्रीब्यूशन के बीच अगेन कुछ देखने को मिल सकता है। तो आप सबको पता ही है इस रॉ में रेट्रीब्यूशन को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया फिंड ब्रे वाइट ने। और उसके बाद मैंने आप सबको अपडेट दी थी कि रेट्रीब्यूशन के मेंबर टी बार ने ये थिंग कही है कि ब्रे वाइट को इसका काफी बुरा परिणाम मिलने वाला है, जहां पर उन्होंने हेल वर्ड का भी यूज किया था। एंड ब्रे वाइट ने भी सेम थिंग कही, जहां पर उन्होंने इस थिंग का रिप्लाई करते हुए कहा रिवेंज इज अ नेस्टी बिजनेस। और नीचे हम सब देख सकते हैं उन्होंने सी यू इन हेल का भी जीफ यूज किया, इसलिए कह सकते हैं साइड से रेट्रीब्यूशन अपना बदला लेने की कोशिश करते हुए दिख सकती है फिंड ब्रे वाइट से हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में। वैसे इनका अभी तक कोई मैच तो ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट हम सब जानते हैं ये दोनों एक ऐसी थिंग है जो कि कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में रेट्रीब्यूशन एंड द फिंड ब्रे वाइट को फीचर किया जाता है या फिर नहीं। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट लास्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है ऐसे दो शॉकिंग थिंग्स है जिसके हेल इन अ सेल में होने के अच्छे खासे चांसेस है। तो सबसे पहली थिंग जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है WWE चैंपियनशिप मैच से, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है ड्रू मैकएंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच। तो आप सबको बता दूं ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि ये शायद से आपको मेन इवेंट होते हुए दिख सकता है हेल इन अ सेल के पेपर व्यू का। और आप सबको पता ही है जे उसो वर्सेस रोमन रेंस के मैच के मेन इवेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। बट अगर ये मैच मेन इवेंट होता है तो आप सब ये मानकर चल सकते हो कि यहां पर हमें कुछ ना कुछ शॉकिंग थिंग देखने को मिल सकती है। एंड वो हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन हमें बनते हुए दिख जाए WWE चैंपियन या फिर ब्रॉक लेसनर हमें अपना रिटर्न करते हुए दिख जाए हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में। तो आप सबको पता ही है जब भी ब्रॉक लेसनर की UFC जाने की बात शुरू होती है देन WWE ब्रॉक लेसनर को वापस ले आती है। देन हो सकता है कि इस बार भी शायद से यही थिंग हमें देखने को मिले, यानी कि ब्रॉक लेसनर फाइनली हमें अपना रिटर्न करते हुए दिखे रेसलमेनिया 36 के बाद। और वैसे भी अभी मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि रॉ की रेटिंग्स लगातार गिरते जा रही है। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार अगर WWE चैंपियनशिप मैच हमें मेन इवेंट करते हुए दिखता है हेल इन अ सेल पेपर व्यू में, देन वहां पर हमें कौन सी शॉकिंग थिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा बात की जाए अपने दूसरे शॉकिंग थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच से और वो होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच। तो इस मैच के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड ऐसा काफी कम बार होता है कि एक तरह से रिजल्ट पता ही है मैच का, बट फिर भी लोग उस मैच के लिए एक्साइटेड है। और बात की जाए कि इस मैच में हमें क्या कुछ शॉकिंग थिंग होते हुए दिख सकती है, तो हो सकता है यहाँ पर हमें जिमी उसो हेल्प करते हुए दिख जाए जे उसो की, यानी कि वो उन्हें जे उसो को इस मैच को जीतने में मदद करते हुए दिख सकते हैं। और क्या पता जब सेल टूट जाए तब इनके बीच हमें सेल के बाहर या फिर सेल के टॉप में भी एक्शन देखने को मिल सकता है, जैसा कि जे उसो ने हिंट भी किया था, जहां पर जिमी उसो भी उनकी मदद करते हुए दिख सकते हैं। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि फैंस की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई है इस मैच से। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है कौन सा मैच मेन इवेंट करना चाहिए हेल इन अ सेल को, यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच या फिर WWE चैंपियनशिप का मैच। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।